हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो? नमस्ते, जय माता रानी। तो आप सबका एक नए वीडियो में स्वागत है। तो आज हम देखिए मक्खियाँ लाए हैं, तो इसका हम आज नाश्ता बनाएंगे। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले इसको हम इस तरीके से ऐसे निकालेंगे, एक एक ऐसे करके हम निकाल लेंगे, फिर इसके बाद हम इसको बनाएंगे। तो चलिए पहले हम इसको अच्छे से इसको निकाल देते हैं। तो मकिया को हमने अच्छी तरह से इसको निकाल लिए हैं। तो चलिए हम बता देते हैं इसमें क्या डालेंगे। तो इसमें तो ज़्यादा कुछ डालना नहीं है, हमने मरीच लिए हैं, तो मरीच को चलिए हम अच्छे से इसको कूट लेंगे, ज़्यादा हम मरीच नहीं लेंगे। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको कूट लिए हैं, तो ज़्यादा हम बारीक नहीं किए हैं, थोड़ा हमने इसको दरदरा ऐसे ही रखे हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से धो लेते हैं, धो के और फिर हम कढ़ाई रख देते हैं। तो इसको हम धो दिए हैं, तो चलिए अब हम इसको बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमने कढ़ाई रख दिए हैं गर्म होने के लिए, तो इसमें हम थोड़ा सा तेल डाल देते हैं, ज़्यादा इसमें हम तेल नहीं डालेंगे। तो थोड़ा सा हम जीरा डालेंगे, जीरा ज़्यादा हम नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे हमने दो हरी मिर्ची लिए हैं, इसको इस तरीके से हमने काट लिए हैं। तो आप चाहे तो हरी मिर्ची भी ना नहीं डाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने दो हरी मिर्ची डाल दिए हैं, तो आप चाहो तो ना भी डाल सकते हो। ऐसे तो मरीच को तीखा है, तो थोड़ा हमने इसमें डाल दिए हैं। तो अब इसमें हम मक्खियाँ भी डाल देते हैं। तो चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स करके और धीमी आँच पे इसको हम छोड़ देते हैं और इसको हम अच्छे से ढक देंगे। तो चलिए इसको ढक्कन हटा के फिर से हम इसको अच्छे से चला देते हैं। तो इसको हमें कम से कम 10-15 मिनट तक हम अच्छे से इसको पकाएंगे, फिर उसके बाद हम इसमें मरीच और नमक डालेंगे। तो काफ़ी देखिए हमारी ये मक्खियाँ पक चुकी है, थोड़ा सा हम इसको और पका लेते हैं, फिर इसके बाद हम इसमें मरीच डालेंगे। तो फिर से हम इसको ढक देते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब इसमें हम मरीच डाल देते हैं। अब हमारी मक्खियाँ पक गई है, तो इसमें पहले हम थोड़ा सा नमक डालेंगे। नमक तो हम स्वाद अनुसार डालेंगे। फिर इसके बाद हम इसमें मरीच डालेंगे, तो मरीच भी ज़्यादा नहीं डालेंगे। चलिए इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो 2 मिनट और हम इसको पका देते हैं। तो 2 मिनट हम इसको पका दिए हैं, तो चलिए इसमें हम थोड़ा सा धनिया भी डाल लेते हैं। तो इसको भी अच्छे से हम मिक्स कर देते हैं और हम गैस को बंद कर देते हैं। तो चलिए हम इसको प्लेट में निकालते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम इसको प्लेट में निकाल देते हैं इस तरीके से। तो दोस्तों, हमारी मक्खियाँ बनके रेडी हो गई हैं। तो हमारी मक्खियाँ कैसी बनी है आप सब कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।